आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं बूम ऑडियो सेल ब्लूटूथ हैंडसेट। साथ ही हम इसकी प्राइस और फीचर्स के बारे में आगे बात करेंगे। सो लेट्स ऑपन इट, हियर वी गो। और फ्लिपकार्ट के बॉक्स को रखते हुए हम साइड में, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है। और ये इनवॉइस भी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो उसका इनवॉइस है हमें ईमेल आईडी पे मिलेगा। और आप देख सकते हैं इसकी ब्रांडिंग और यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स भी लिखी हुई है। जैसे कि बॉक्स एमआरपी की अगर हम बात करें तो 2,299 रुपये इस पर लिखी हुई है, और बाकी की बेसिक डिटेल इस पर लिखी हुई है। तो इसे ओपन करते हैं। अब ओवरऑल डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो ये लीफ डिज़ाइन यानी कि एक पत्ती के रूप में डिज़ाइन में ये आता है। काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा ये दिखता है। और इसे ओपन की अगर हम बात करते हैं तो इसे स्लाइड करके इसे ओपन करना पड़ता है। और हम बात करें तो इसके साथ जो केबल आती है वो सी टाइप आती है, और ये सी टाइप सपोर्ट करता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। फीचर की अगर हम बात करें तो आप इसे कॉलिंग भी आसानी से कर पाएंगे। अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो ये 30 से 40 मिनट चार्जिंग में आराम से फुल बैटरी हो जाती है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो ये 12 घंटे आराम से चल जाता है, और डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। अगर हम स्वेट प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंट आता है, ध्यान रहे वाटर रेजिस्टेंट है, वाटर प्रूफ नहीं है। ब्लूटूथ वर्जन की अगर हम बात करें तो 5.0 इसके अंदर ब्लूटूथ वर्जन आता है। और ब्लूटूथ रेंज की अगर हम बात करें तो 10 मीटर इसकी ब्लूटूथ रेंज आती है। और बैटरी लाइफ की अगर, जैसे कि मैंने भी बताया कि 12 घंटे इसकी लाइफ चल जाएगी। और स्टैंडर्ड टाइम की अगर हम बात करें तो ये 100 घंटे कंपनी इसका दावा कर रही है। और मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की अगर बात करें तो डेट ऑफ परचेज की 1 साल की इसकी वारंटी आएगी। कैसे होगी तो चार्जिंग के लिए सिर्फ आपको इन पॉट्स के अंदर ईयरबड्स को लगा देना है और चार्ज होता रहेगा। चार्जिंग की अगर हम बात करते हैं, जैसे आप इसमें चार्जिंग पिन डालते हैं तो एक बार वाइब्रेट होगा और जो इंडिकेटर लाइट है वो ब्लिप करने लगेगी। जब कंप्लीट चार्ज हो जाएगा तो लाइट ग्रीन हो जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा। ऑडियो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये एक एवरेज ऑडियो क्वालिटी ही आपको दे पाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि एक हेडफोन की क्वालिटी अगर इसके अंदर आएगी तो सॉरी, इसके अंदर नहीं आ पाएगी, क्योंकि हेडफोन की जो स्पीकर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो इसकी जो स्पीकर है 10 ड्राइव में ही आते हैं। यानी बॉक्स एमआरपी की बात करें जो हमने पहले ही डिस्कस करके है, जो 2,299 रुपये इसकी बॉक्स एमआरपी ले गई है, लेकिन फ्लिपकार्ट पे का जो हमें पड़ा है वो 699 में ये पड़ा है। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये कुछ डिवाइस के साथ तो इजीली कनेक्ट हो गया, लेकिन हमने रियलमी 6i के साथ इसे कनेक्ट करने की कोशिश की और काफ़ी टाइम लेने के बाद भी ये रियलमी 6i के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया। और मिलते हैं किसी और प्रोडक्ट के साथ। स्टिल देन बाय बाय।